हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये डिज़ाइन पैटर्न सिखाऊंगी। ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है, आज हम इसे ही सीखेंगे। ये डिज़ाइन आप स्वेटर्स में, कार्डिगन्स में, मफलर्स में, शॉल में, आप किसी भी चीज़ में इस डिज़ाइन को, पैटर्न को डाल सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ हमने कुछ चेन बना ली है। अब ये चेन, हम पहली चेन को छोड़कर हम नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए ये सिंगल क्रोशे, इस तरह से हम ये हर एक चेन में क्रोशा डालकर दो फंदों का एक बना लेंगे। देखिए क्रोशा डालकर धागा लिया और दो फंदों का एक, ये है हमारा सिंगल क्रोशे। तो हम ये पूरी लाइन इसी तरह से सिंगल क्रोशे की करेंगे। देखिए ये मैंने कर ली है एक लाइन पूरी सिंगल क्रोशे की कंप्लीट। अब हम सेकंड रो, हमारा सेकंड रो क्या होगा, वो भी इसी कलर से हम सिंगल क्रोशे करेंगे। एक चेन करें, हमने टर्न करा, अब हम पहले वाले फंदे में हम क्रोशिया डालकर सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरह से हम ये वाली लाइन भी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने कर ली है पूरी लाइन कंप्लीट, ये हमारी, ये दो रोज हमारे कंप्लीट हो गए हैं सिंगल क्रोशे के। अब हम अपना सेकंड कलर, जो वाइट कलर हमने लिया है, इसको हम अटैच करेंगे। अब वाइट कलर ये अटैच करेंगे हम, हमने अटैच कर लिया। ग्रीन वाले धागे को थोड़ा खींच लेंगे जिससे कि फंदा हमारा पूरा फंदा बन जाए। एक चेन करेंगे हम और हम आगे बुनेंगे। अब यहाँ पर भी हम पहले फंदे में क्रोशिया डालकर सिंगल क्रोशे, इस तरह से हम ये सिंगल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। ये देखिए ये सिंगल क्रोशे, हर एक चेन में आपको एक सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये पूरा रो वाइट कलर से ही लेंगे, पूरी रो वाइट कलर से ही कंप्लीट करेंगे। बल्कि ये वाली रो क्या, हम अगली फोर रोज हम वाइट कलर से ही कंप्लीट करेंगे। ये पैटर्न, ये डिज़ाइन हमारा शुरू होएगा, पहले हम इसके लिए वाइट रोज कंप्लीट। जब हम दोबारा से ग्रीन कलर लेंगे तब ये हमारा शुरू होगा। देखिए ये मैंने फोर रोज कंप्लीट कर लिए, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और ये लास्ट वाली 4, ये 4 रोज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम ग्रीन वाला धागा फिर से ले लेंगे। इसके लिए हमने ये करा, एक चेन बना ली और ये हमारा ग्रीन वाला कलर फिर आ गया है। अब फिर हम इसको बुनना शुरू करेंगे, एक चेन। अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे, क्या करेंगे, हम सिंगल क्रोशे ही करेंगे यहाँ पर। देखिए अब हमारा पैटर्न शुरू हो रहा है। ये देखिए हमने दो सिंगल क्रोशे करने के बाद, ये दो सिंगल क्रोशे करने के बाद हमने यहाँ पर 3 times लपेटा है धागे को, 3 times लपेटा है। अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे, देखिए 1 और ये 2 और ये जो थर्ड वाला हमारा ग्रीन कलर का धागा है वहाँ पर हम इसे डाल लेंगे और फंदा ले लेंगे। अब देखिए ये पहला फंदा बुना, अब हमारे पास ये दो फंदों को हमने एक कर लिया, फिर 4 बचे, अब इनके भी 2 का 1, 3 बचे, 2 का 1, 2 बचे 1, ये हमारा पूरा चेन बन गया। देखिए फिर हम धागे को 3 बार लपेटेंगे। अब ये वाला तो फंदा हो गया, अब हमारा अगला फंदा होगा। देखिए 4 हो गए, अब अगले वाले में हम इसमें क्रोशिया डालेंगे, धागे को आगे ले लेंगे, ये हमारा एक फंदा बन गया। अब पहले हम सिर्फ इसी फंदे को बुनेंगे। देखिए ये एक बार इसी फंदे को बुना, पहली बार में आपको उसी फंदे को बुनना है। अब हम 2 फंदों का 1 करेंगे, ये 4 रह गए, फिर 2 फंदों का 1 करा हमने, 3 रह गए, यहाँ पे धागा कुछ छूट गया। हाँ अब ये 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का, देखिए ये बुन गया। अब यहाँ पर 2 बार हमने बुना ना, तो 2 ये छोड़ दिए, अब तीसरे में हमने ये सिंगल क्रोशे करा।
देखें, हो गया ना ये हमारा तैयार। अब हम आगे बनाएंगे। अब हम यहाँ पर हमें 8 डबल क्रोशे करने हैं, तो उसमें से हमने 1 तो कर लिया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डबल क्रोशे करेंगे, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ डबल क्रोशे, अब है सिक्स, सेवेंथ और एट। हमारे ये 8 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए। अब हम फिर धागे को आगे ले 3 बार लपेटेंगे, 1, 2, 3, तो ये 4 धागे हो गए हमारे। अब यहाँ से हम फिर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, देखिए फिर से कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद जो हमारा 9th वाला होगा फंदा, वो हम क्रोशे डाल के धागे को लेंगे। पहले इसे ही एक बार बुनेंगे, फिर दो फंदों का एक, ये हुआ हमारा नेक्स्ट। अब फिर 3 बार धागे को करके फिर हमने इसके बराबर वाले को लिया, फंदे में क्रोशिया डाल के लिया, इसे एक बार बुना, फिर दो फंदों का एक और दो फंदों का एक। अब यहाँ पर हमने 2 फंदे बुने हैं और तीसरे में हमने क्रोशिया डाल के बुनना शुरू करा। Three, 4, 5, 6, 7 और लास्ट हमारा ये 8। अब एक बार फिर हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे, क्योंकि हमारे 8 फंदे पूरे हो गए। तो 3 बार ये लपेटा हमने क्रोशिया पे धागा। अब यहाँ से काउंट करेंगे फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये 9th वाले फंदे में हम क्रोशिए को डालेंगे। ये अब हमने एक चेन बनाई और दो फंदों का एक और दो फंदों का एक। फिर दोबारा से इसी तरह करेंगे, हम क्रोशिए को धागा लपेटेंगे 3 बार। ये हमने धागा लिया, पहले हम इसी धागे को बुनेंगे एक चेन, फिर हम दो फंदों का एक और फिर आखिर में 2 फंदों का 1, इस तरह से बुनेंगे। अब यहाँ से 2 फंदे छोड़ने हैं, तीसरे में हमें फिर बुनना शुरू करना है और इस तरह से हमारी पूरी रो हम बुन लेंगे। है ना बहुत ही इजी डिजाइन, बहुत ही इजी। ये कंप्लीट हो गई हमारी, ये देखिए हमने इसमें पूरा डिजाइन डाल दिया। अब हम इसे पलट कर फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे। अब तो आपको समझ में आ गया, अब हमें कितनी लाइन करनी है। यहाँ पर 1 लाइन हमारी हो गई है सिंगल क्रोशे की, ग्रीन कलर की। अब हमें 3 लाइन और करनी है, तो ये दूसरी हमने शुरू कर दी। अब 2 और करके अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 4 रो कंप्लीट कर ली है ग्रीन कलर की। 1 में तो हमने डिज़ाइन डाला था और 3 हमने प्लेन करी। अब हम फिर अपना वाइट धागा आगे कर लेंगे और ये चेन बनाकर अब इसे चेन को टाइट कर लेंगे। हमने एक चेन लगाई, अब हम फिर से इसे बुनना शुरू करेंगे। अब हमें करना है वाइट धागे को डिजाइन। देखिए अब वाइट धागे का जो हम डिजाइन बनाएंगे वो हम ग्रीन के बाद बनाएंगे। हम ये ग्रीन अभी हमारा धागा चल रहा है, मतलब ग्रीन जो हमने लाइन बनाई है उसके बाद उसके बीचों बीच बनानी है। तो हमने 8 फंदे लिए थे जो बीच में मिले थे, तो उसमें से 3 एक तरफ, 3 एक तरफ हो जाएंगे और जो बीच का 4th और 5th चेन होगी उसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए अब हम गिन रहे हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है, तो हम वहाँ तक पहले सिंगल क्रोशे बुन लेंगे।
देख अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4 धागे में हम क्रोशिया लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 बार क्रोशिया में धागा लपेटेंगे और हम जो 4 धागा होगा वाइट का, वाइट से बुन रहे हैं ना हम, तो वाइट वाला ही धागा लेंगे। तो वाइट पे हम देखिए ये धागे को ले जाएंगे। अब हम पहले इसे एक बार चेन बुनेंगे और फिर हम दो फंदों का एक, दो फंदों का एक, दो फंदों का एक और दो फंदों का एक, ऐसा हम 4 बार करेंगे। देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट ये। अब हमने दो दो फंदे इस तरह से बनाए हैं डिज़ाइन के, तो अब हम दूसरा फंदा शुरू करते हैं। उसके लिए फिर हम वही करेंगे, हम करेंगे 3 बार पहले क्रोशिए पर धागे को लपेटेंगे और फिर उसके बराबर वाला धागा, अब इसे एक बार बुनेंगे चेन और फिर उसके बाद दो फंदों का एक, दो फंदों का एक, दो फंदों का एक और दो फंदों का एक, इस तरह से हम इसे बुनेंगे। अब यहाँ पर दो फंदे छोड़कर तीसरे वाले में हम क्रोशिया डालकर बुनेंगे। इस तरह से हम इसे करते चले जाएंगे। अब दोबारा हमें डिजाइन डालना है वही 8 फंदों के बाद। हमने यहाँ 8 चेन काउंट कर ली। अब हम यहाँ से 1 2 3, अब हमें 4th और 5th चेन में हमें डिजाइन बनाना है ना। तो अब यहाँ पर फिर से हम क्रोशिए पर 3 बार धागा लपेटेंगे, 1 2 3, और हम इसमें यहाँ 1 2 3 और 4th वाला जो धागा एक वाइट वाला फंदा होगा उसमें हम क्रोशिया डालेंगे और इसको एक बार दो चेन बुनेंगे और उसके बाद दो फंदों का एक, दो फंदों का एक, 4 बार करना है हमें। और ये हमारा इधर ये एक लाइन हमारी कंप्लीट हुई। अब हम दूसरी करेंगे उसकी बराबर वाली फंदे में, इस तरह से हम इसे कंप्लीट करते जाएंगे। अभी ये इस तरह से अब ये हमने सिंगल क्रोशिए से ये पूरा रो हमारी कंप्लीट है। मैं आपको दिखाती हूँ अब डिजाइन पूरा डल गया है तो ये कैसा लग रहा है। अब जो नेक्स्ट रो है वो फिर वही सिंपल हमारी सिंगल क्रोशिए की रो है। सिंगल क्रोशिए की रो हमें बनानी है तो हम ये पूरी रो सिंगल क्रोशिए बनाएंगे, और बल्कि हमें एक नहीं अब अगले 4 रो सिंगल क्रोशिए की ही बनानी है। ये 4 रो हमारी सिंगल क्रोशिए की बन गई वाइट कलर की। अब फिर हम दोबारा से ग्रीन वाला डिजाइन डालेंगे, वही हमारे फंदे के हमने ये, और हम अब आगे बुनना शुरू करेंगे। और हमने यहाँ पर 3 बार क्रोशिया लपेटा और जो हमने नीचे धागा बुना था उसी की सीध में हम ग्रीन कलर, जब हम ग्रीन कलर लेंगे तो हम ग्रीन कलर के धागे को ही उठाएंगे और उसी पर डिज़ाइन अपना बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है डिज़ाइन लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगेगा कि आपने पता नहीं क्या चीज़ बना दी है जो इतना सुंदर डिज़ाइन बनकर निकलेगा। आप इस डिज़ाइन को मफलर में डालें, शॉल में डालें, आप बच्चों के स्वेटर्स में डालें, बड़ों के स्वेटर्स में डालें, कमाल कर देगा ये डिज़ाइन। और हर कोई पूछेगा आपसे कि कहाँ से सीखा आपने और हमें भी सिखाइए। देखिए ये फिर हम
डिज़ाइन ये मैं आपको पूरा बनाकर और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बनेगा। वही हमें दो छोड़ना है फंदे, तीसरा फंदा लेना है। ये देखिए, ये पूरी सीध में ही आएगा आपका, ये डिजाइन पूरी सीध में बनेगा। सीधी लाइन बन गई, ये हम इसी तरह से इसको बुनेंगे आगे। वही हमें अब बीच में आठ सिंगल क्रोशे करने हैं। आठ सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर हमारा डिजाइन डलेगा। इस तरह से हमारा ये डिजाइन अंदर चले जाएगा। एक बार आपको लगेगा कि इसमें फंदे बार बार हमें गिनने पड़ रहे हैं, पर ये आप मेरे साथ बुनना शुरू करें और देखिए फिर इतना कमाल का ये डिजाइन बनकर निकलेगा और आपका भी मन लगने लगेगा इसमें। कलर चॉइस आपकी अपनी है, आपको जो कलर पसंद आता हो, आपका फेवरेट कलर हो, आप उसका बना सकती हैं इसे। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका, इस डिजाइन का बफलर शॉल वगैरह बनाकर भी वो भी सिखा सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं वो भी आपको बनाना सिखा सकती हूँ। अब हम ये एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जिस साइज की ऊन है, यानी ऊन की जितनी विड्थ है, उससे मैंने क्रोशिया थोड़ा छोटा लिया है। ऐसा मैंने इसलिए करा है ताकि जो आप बुन रहे हैं ना, वो बिल्कुल गफ बनेगा। और वो गफ बुना जाएगा तो वो एक तो गरम बहुत होगा, यानी कि सर्दी के मौसम के लिए ये गरम बहुत रहेगा, तो बच्चों को बहुत आराम मिलेगा इसमें। और दूसरी बात है, इसमें सफाई बहुत आएगी। जैसे कि माना जाता है कि क्रोशिए के बनी हुई चीज़ें बहुत गर्म नहीं होती, ठंडी होती है, तो इसलिए ऐसा नहीं है। जब हम इस तरह से बुनते हैं तो ये काफ़ी गफ बनता है और गर्म बहुत होता है। जैसे कि ऊन सिलाई से बनी हुई चीज़ों को माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रोशे से भी बनी हुई चीज़ें उतनी ही गर्म और उतनी ही कोजी होती है। देखिए, और ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन है, ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन बना। ये देखिए कितना कफ भी बना है। आप इसे झीना झीना नहीं कह सकते, या इसमें हवा क्रॉस होगी ऐसा नहीं है। ये देखिए पीछे से भी ये डिजाइन बिल्कुल कफ है और आगे से तो है ही कमाल। आपको मेरा ये डिज़ाइन, ये पैटर्न पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।